हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदुमती तंगा, प्रवक्ता CDTM राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है ड्राफ्ट ऑफ शर्ट कॉलर। कपड़ों में कॉलर, शर्ट, ड्रेस कोट या ब्लाउज का हिस्सा होता है जो गर्दन के चारों ओर होता है। एक कॉलर स्थायी रूप से परिधान के मुख्य शरीर से जुड़ा होता है, जैसे सिलाई द्वारा, या ये कॉलर डिटैचेबल भी होते हैं। कॉलर की एक खूबी है कि कॉलर आपके सूट्स, जैकेट या स्पोर्ट्स कोट को आपके पसीने से तर गर्दन से बचाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉलर 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लैट कॉलर्स, रोल कॉलर, स्टैंड कॉलर्स। ये सभी कॉलर्स अपनी अपनी विशेषताएं लिए होते हैं। इन्हीं में से एक है शर्ट कॉलर, जिसकी मैं आज आपको ड्राफ्टिंग बताऊँगी। शर्ट कॉलर विथ और विदाउट स्टैंड कॉलर भी होते हैं। आइए तो हम बात करते हैं इसके ड्राफ्टिंग पर। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स लेंगे। नेक साइज लेंगे 32 सेंटीमीटर्स। 0 to 1 लेंगे हम हाफ नेक मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स आपका 32 सेंटीमीटर्स नेक साइज है, तो इसका हम हाफ पार्ट लेंगे। 0 to 2 हमने शर्ट कॉलर और स्टैंड विथ स्टैंड, इसकी हमने 8 सेंटीमीटर कॉलर डेप रखी है, तो 0 to 2 8 सेंटीमीटर कॉलर डेप, कॉलर स्टैंड और कॉलर की डेप्थ लेंगे। 2 to 3 इक्वल टू 0 to 1। 0 to 1 हाफ नेक मेजरमेंट से, 2 to 3 भी हाफ नेक मेजरमेंट देंगे। ज्वाइन 3 to 1, 3 to 2। 1 to 4 2.5 सेंटीमीटर फॉर बटन स्टैंड के लिए हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे, नेक साइज से एक्स्ट्रा 2.5 सेंटीमीटर लेना है। 4 to 5 इक्वल टू 0 to 7। 0 to 7 हम लेंगे 3 सेंटीमीटर्स, तो 4 to 5 हमको 3 सेंटीमीटर्स लेना है। 0 to 6 ऊपर की तरफ 0.5 सेंटीमीटर्स लेंगे। 0 to 7 हमने स्टैंड लिया है, कॉलर का जो स्टैंड लिया हमने 3 सेंटीमीटर्स लिया है, और 7 to हमने जो 2 लिया है वो 5 सेंटीमीटर हमने कॉलर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और स्टैंड हमारा 3 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। टोटल आपका 8 सेंटीमीटर हमने कॉलर डेप्थ लिए। तो हमने 0 to 6 फॉर शेपिंग के लिए 0.5 सेंटीमीटर्स ऊपर की तरफ लेना है। 7 to 8 भी हमने 0.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ हल्का सा लेना है ऊपर की तरफ, और फिर हमें जॉइन करना है 6 को 1 से हल्का सा शेप में लेना है, और 8 to 13 भी हमने हल्का सा अंदर की तरफ इनवर्ट कर्व शेप लेना है। 3 to 11 1.5 सेंटीमीटर हमने तिरछे में लेना है, इस तरह से पॉइंट बनाने के लिए, कॉलर का जो आपने पॉइंट्स देखे इस तरह से, ये पॉइंट बनाने के लिए हमने तिरछा 1.5 सेंटीमीटर लेना है। 12 आपको पॉइंट लगाना है 2 to 3 का, 1/3 मेजरमेंट्स हमको कर लेना है 12, फिर ज्वाइन करना है 11 to 12 इस तरह से, और 11 to 13 इस तरह से हमको ये ज्वाइन करना है। स्टैंड कॉलर में जैसा कि मैंने आपको स्टैंड कॉलर में बनाया था, सेम एज ए की ऐसे ही बनेगा। 4 to 9 आपको 0.75 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, 5 to 10 1 सेंटीमीटर्स लेना है, और अपन को ज्वाइन करना है 13, 10, 9 and 1 फॉर स्टैंड शेप। तो ये जो चौड़ाई है हमने 2.5 सेंटीमीटर लिए हैं बटन स्टैंड के लिए, एक्स्ट्रा हमको लेना है जहाँ हम काजल बटन करते हैं। इस तरह से आपके एक मेजरमेंट से हमने कॉलर बनाई है। कॉलर ये हम ओन फोल्ड में है, इसका ग्रेन मार्क है आपका क्रॉस ग्रेन। इस तरह से आपकी शर्ट कॉलर है। शर्ट कॉलर में एक पार्ट अलग करता है, 2 पार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना सेंटर बैक फोल्ड, ये हमेशा फोल्ड में कटेगा, खुल के ये इस तरह से आपको शो होगा। तो कट टू, हम कट टू में काटेंगे इन फैब्रिक 1 in इंटरफेसिंग। ये आपका सेंटर बैक फोल्ड है कॉलर, ये कॉलर स्टैंड है, सेंटर बैक फोल्ड रहेगा, इसमें भी कट 2 in फैब्रिक एंड 1 in इंटरफेसिंग के लिए। ये आपका अपन ने लिया है 2.5 सेंटीमीटर विथ ऑफ बटन स्टैंड। लेंथ ऑफ सेंटर फ्रंट टू सेंटर बैक विथ बटन स्टैंड, इसकी जो हमने ये ली है विथ, ये लेंथ ऑफ सेंटर फ्रंट टू सेंटर बैक विथ बटन स्टैंड। तो इस तरह से ये फोल्ड में ही करता है, तो खुल के इस तरह से ये शो होता है। जैसे आके आपने लोगों ने देखा है कि सब शर्ट, पापा भैया जो भी आपकी शर्ट्स होती है उनमें शर्ट कॉलर्स देखी है, तो ये
टू पीस शर्ट कॉलर है। तो इस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग होती है, ये इस तरह से शो होता है, ये कट ऐसे करते हैं और इस तरह से अपने इसमें जो भी अपना गारमेंट ड्रेस होती है कोट ब्लाउज इसमें अटैच होते हैं। ये इस शर्ट कॉलर की भी अपनी ही एक खूबी है। थैंक यू।